करके करो। अरे ये क्या, अब मैं गुफा में वापस नहीं जा पाऊंगा क्या? अरे नहीं, कितनी मुश्किल से हमें एक अच्छी जगह मिली थी जहाँ मैं चैन से आराम कर सकता था, घूम सकता था और अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था। मुझे लगता है सब लोग ही उदास हो जाएंगे, पर कभी ना कभी तो ये होना ही था। मैं कल ये बात सबको बता दूंगा। ठीक है, हम यहीं पर देखते हैं। मेरे पीछे आओ दोस्तों।
अरे वाह, ये जूस कैन तो खुला भी नहीं है। जी हाँ, हम सुनियो को ढूंढ रहे थे, याद है ना? हाँ। सब इधर आओ, यहाँ देखो। शायद ये वही होगा। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। यहाँ कितना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। डोरेमोन, मैं अभी लाइटनिंग बॉक्स डालता हूँ। सुनियो, क्या तुम्हें यकीन है कि ये हमारी गुफा से जुड़ा हुआ है? मुझे ये बता दे कि हमें अंदर जाकर देखना होगा। Yeah!
अभी पुराने ढंग से ही जी रहे हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह नहीं है। हाँ तुमने सही कहा, पर वो मुझे किसी चीज जैसे लगते हैं। अरे हाँ बिल्कुल तस्वीर जैसे। क्या बात है शर्म? सतह पर से आए दोस्तों, आप ठीक हो इस बात से मुझे खुशी है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे बारे में जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, मेरा नाम है बानो, डायनासोर योद्धा, और आज से आप सब की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आपसे एक बात पूछनी थी। अरे हाँ, क्या आपने इससे पहले इस जंगल में किसी एक लड़के को देखा है? वो ऐसा दिखता है। हाँ वो अभी हमारी सुरक्षा में है। हम उससे मिल सकते हैं? और वो यहाँ नहीं है, आपको हमारी राजधानी में चलना होगा। और वो यहाँ से कितनी दूर है? वो महाद्वीप में है, हमें नाव लेकर वहाँ जाना होगा। इसका मतलब जमीन के नीचे कॉन्टिनेंट है और नाव भी। देखो सूर्यो का प्लेन। ओ तो इसे रिमोट कंट्रोल प्लेन कहते हैं। मैंने इसे नदी के नीचे से उठाया था। ये इतनी कमाल की मशीन है कि मैंने इसे निगरानी के काम पर लगाया है। क्या कहा? मुझे नहीं लगा था कि इन्हें ये सब करना भी आता होगा। क्या निगरानी? लेकिन आप किसकी निगरानी करते हैं? मैं एंशिएंट एनिमल प्रिजर्व की रखवाली करता हूँ। आदिकाल के जानवर अब सतह से खत्म हो चुके हैं, पर वो यहाँ आज भी जिंदा है। मेरा काम है इनकी अनमोल जिंदगी को शिकारियों से बचाना और इन्हें सतह पर वापस जाने से रोकना। ऐसा है, मतलब बाकी जो डायनासोर देखे गए थे वो सब यहीं के थे। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि जैपनीज की कहानी के कप्पा भी निकाल के हैं। सही कहा। अरे मैंने ये जगह पहले भी कभी देखी है। अरे हाँ हम सब यहीं पर तो गोकार्ट खेल रहे थे। जरा देखो वो रही गुफा, वहीं से तो हमारे खुफिया ठिकाने का रास्ता आता है। इसका मतलब मुझे अपना वायलिन वापस मिल सकता है? मुझे अपना कॉस्ट्यूम भी वापस मिलेगा। अरे मेरी तो आराम के लिए डर। वो सब बात नहीं है ना, पहले हमें जाकर सुनियो को ढूंढना है। अरे वाह जमीन के नीचे झील। मैंने आपके दोस्त की यहीं पर मदद की थी, अब हम बंदरगाह पहुँच गए हैं। ये है हमारा बंदरगाह। ये शिप तो पूरी लोहे की बनी हुई है।
ये सतह के शिप से अलग है, ये मैग्नेटिक एनर्जी की मदद से चलाया जा रहा है। अंदर चलिए, अब हम निकल। राजधानी पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगेंगे, तब तक आप सब लोग आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ये तो तैर रही है। सबसे बड़े कॉन्टिनेंट OA की तरफ जा रहे हैं, उसी के बीच में है हमारी राजधानी एंड्रो। अरे क्या हुआ तुम लोगों को, तुमने पहचाना नहीं? ये मैं हूँ बानो। वो दरअसल हमें आपको देखने की आदत नहीं है, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। माफ कीजिएगा, हमारे लिए आप लोग भी कुछ अजीब। ठीक है, आप सब लोग खाना खा लीजिए। मैं सब कुछ आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे सारी खबर हमारी गवर्नमेंट को देनी है, समझ गए? मैं तो ये नहीं खा सकता। ये तो बहुत अच्छा है। जियान को तो कुछ भी दे दो, सब टेस्टी लगता है। ये तो सच में बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट तो ऐसा है जैसा हमारे यहाँ मिलता है। मेरा तो थोड़ा केक खाने का मन है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा था कि वो हमें सुनियों के पास ले जा रहे हैं। हाँ कहा तो है, और मुझे भी वो भरोसेमंद ही लगते हैं। लेकिन जब हम सुनियों से मिल लेंगे, उसके बाद घर कैसे जाएंगे? दोस्तों मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? कौन गर्मी है?